आइए और जानकारी लेते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं। सर आपका नाम? मोहम्मद शमशेर आलम। शमशेर आलम जी, आप यहाँ क्यों आए, क्या कारण है आपके यहाँ आने का? मेरा यहाँ आने का एक मुख्य कारण यह है कि मतलब हमारे जो भूतपूर्व होमगार्ड है जो निकाले गए हैं, वो उनको अदर स्टेट में 60 साल तक मतलब लिए जा रहे हैं और दिल्ली स्टेट में 50 साल में 47 साल में निकाले जा रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि मतलब कम से कम अदर स्टेट को देखते हुए, दिल्ली तो तरक्कीशील प्रदेश है और विकसित दिल्ली है, तो ये कम से कम दिल्ली के केजरीवाल मुख्यमंत्री जी ने उन्होंने इलेक्शन के टाइम में भी वादा किए थे कि हम आपको नियमित करेंगे, 60 साल तक नियमित करेंगे, लेकिन ये 60 साल तक नियमित नहीं कर रहे और ये मतलब इनको ले नहीं रहे हैं और आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं, इनके बच्चे भूखे मर रहे हैं और इनको कहीं रोज़गार नहीं मिल रहा है, इनकी पूरी जवानी की ताकत लग गई इनकी दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ नौकरी करने में। अब उनके काम काज को ये अच्छी तरह भलीभांति जानते हैं, ये ट्रेंड बंदा है, राइफल की ट्रेनिंग ली है इन्होंने, सारे काम करना जानते हैं, दिल्ली पुलिस के कंधे से मिलाकर ये काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर ये इनको निकाल दिए जाते हैं तो अतिरिक्त भार सरकार के पास आता है, नया भर्ती करते हैं, नया मतलब उसमें एक्सपेंस जाता है और वो बजट सरकार के ऊपर एक अतिरिक्त भार के रूप में आता है जो एक फालतू का बजट है। इसमें भी कम बजट होगा कि अगर हमें पुनः वापसी ले लिया जाए तो। आलम जी, जब इनको निकाला जाता है या किसी फैक्ट्री या किसी ऑफिस या प्राइवेट सेक्टर से किसी को निकाला जाता है, उसे एक महीने पहले नोटिस दिया जाता है या छः महीने पहले नोटिस दिया जाता है, जैसे अर्ध सरकारी नौकरियां हैं वहाँ 6 महीने पहले ही उनको बोल दिया जाता है कि भाई अब आपकी सेवा समाप्त होने वाली है, आपके ये कागज़ चल रहे हैं, तो ऐसे जब इनको निकाला गया, क्या कोई इनको नोटिस दिया या लेटर दिया? जी नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं दिया। फिर उसके बाद में आप जो है जो कमांडेंट वगैरह हैं या उनसे आपने अपील की, शिकायत की? हाँ, अपील की, शिकायत की, सब कुछ किया। तो भाई तुम लोगों को मतलब भर्ती ही मतलब वो कह रहे हैं कि तुम्हारी भर्ती 3 साल के लिए हुआ था और 5 साल के लिए हुआ था, 3 साल 5 साल के बाद निकाल दिया गया। नहीं, 3 साल के लिए हुआ और जो आप नई भर्ती कर रहे हैं, क्या हमारा फिजिकल ख़राब है? आपने एक साथी ने बताया कि हर साल फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, तो उसके बावजूद भी नहीं रखा जाता? जी, उसके बावजूद भी नहीं रखा जा रहा है, वो इसलिए कि इन सब के पीछे मैं अगर सच बोल दूं, चूंकि 10 साल से इस महकमे में होमगार्ड में हूं, मैंने जो अनुभव महसूस किया है उस चीज़ को जाते हुए देखते हुए मैं यह सच बोलना चाहता हूं कि ये दिल्ली होमगार्ड के जो हमारे दफ्तर के जो बड़े आला अधिकारी हैं, अधिकारीगण, वो नहीं चाहते कि इनका भला हो, वो ये चाहते हैं कि इनका शोषण हो और इसी शोषण में ये नए लोगों से, नई पीढ़ी से पैसा मतलब जो बोला जा रहा भ्रष्टाचार किया जा सके और उसके नए पीढ़ी से मतलब उनको रोज़गार दिलाने के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा सके और इन्हीं को अगर हम रोज़गार में देंगे तो हमारी ऊपरी आमदनी क्या होगा। वो प्रेमचंद जी की वो कहावत दोहराना चाहते हैं कि पिताजी उसको मशवरा दे रहे हैं कि मतलब बेटे तुम ऊपरी मासिक आमदनी तो पूर्णमासी का चांद है और ऊपरी आमदनी तो बहता हुआ स्रोत है। अभी अभी आपको पता चला होगा कि हमारे भूतपूर्व कमांडेंट साहब के घर पे आय से अधिक मामले में छापा पड़ा था जी, ये मीडिया में भी आई थी। ये आखिरकार क्यों, जब उनको एक अच्छी परमानेंट 60 साल तक की नौकरी है, अच्छी नौकरी है, अच्छी तनख्वाह है, उसके बावजूद वो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त क्यों हो रहे हैं, क्यों पाए गए? इसलिए कि वो भ्रष्टाचार करने पर आमादा है। हम लोग ये चाहते हैं कि यह भ्रष्टाचार खत्म हो और हमें जो हम लोग हर एतबार से काबिले मतलब जॉब करने के लायक हैं तो हमें रखा जाए और हम आज तक दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड में किसी भी होमगार्ड का कोई गलत शिकायत नहीं है कि वो किसी काम पे दिया गया हो और वो ड्यूटी ना कर पाया हो। हर काम करने पर हम तैयार रहते हैं, तो हमें ही मतलब क्यों, अब हम जवानी में हम आपके साथ नौकरी कर लिया, अब हमारा 50 साल के बाद हम 46 साल के होने जा रहे हैं, मैं खुद अपनी बात बताऊं, अब हम 4 साल के बाद कहाँ, कौन हमें नौकरी रख लेगा, हम कहीं के नहीं रहेंगे। अब हमारे लाइबिलिटी बढ़ गई, खर्चे बढ़ गए, बच्चे बड़े हो गए, उनकी खर्चे बढ़ गए, उनकी जिम्मेदारी पूरी करनी है, तो क्या हम गलत काम करेंगे? इसलिए हम दिल्ली सरकार से और भारत सरकार से माननीय पत्रकार के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि हम लोगों को हमारे जो भूतपूर्व मतलब हमारे जो होमगार्ड भाई निकाले गए हैं उनको बिना कोई शर्त वापसी लिया जाए, ये हमारा मांग है। होमगार्ड।